घटिक समाज के लोग हैं, अहरिया बहरिया समाज के लोग हैं, वो सब लोग अपमानित महसूस करते हैं। कोई 370,000 यादव तो नहीं है यहाँ पर, उन्होंने भी इसको यादव बनाम अन्य बनाने का प्रयास किया। तो 30-40% कहते हैं तो ये उनको शायद पढ़ाया नहीं कि 60 ज़्यादा होते हैं, 40% ये बात सच है, ये इनके 40% पोलिंग ज़्यादा करते हैं, बूथ कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। तो 60% लोग भी कह रहे हैं कि पहले वोट कामयाब नहीं होता था और कोई सेनापति ठीक नहीं मिला था, बारूद तो हम थे, तोप नहीं मिली थी, अब तोप है, उन्हीं को सब बारूद तो हुए हैं, इसलिए जो है ये चुनाव जीता जाएगा। और 40% में भी हमारे लाभार्थी हैं, चाहे वो 12 रुपये बीमे वाले हों, 330 के बीमे वाले हों, शौचालय वाले हों, आवास वाले हों, चूँकि वो लोग हैं सपा, मैं यादव तो नहीं कहूँगा, तो किसान हैं, तो उनको प्रधानमंत्री की 10वीं किस्त किसान सम्मान निधि की 2000 वाली सीधे उनको पास आ रही है। 19 महीने से जब 80 करोड़ जनता देश में 5 किलो गेहूं और चावल प्रति व्यक्ति ले रहे हैं, तो हर गांव में 80 लोग यहां भी पा रहे हैं, तो मुंह खाता है तो आंखें झुकती हैं। ये मैनपुरी जिला है जो खानदानी जिला है, ना ये अपमान भूलता है ना एहसान भूलता है। आप लोग जाते हैं गाँव में तो पूछते हैं माँ किसको वोट डालोगे, तो वो कहती हैं जिनकी खाई हैं उनकी वजह हैं। एक बार बेटे का मनी ऑर्डर लेट हो गया, लेकिन विधवा पेंशन लेट नहीं हुई, वृद्धावस्था पेंशन नहीं लेट हुई, और विकलांग पेंशन लेट नहीं हुई, और किसान सम्मान निधि एक टाइम एक मिनट नहीं लगाता, दिल्ली से एक बटन दबती है, देश के किसानों के खाते में चला जाता है। एक गांव में हमने पूछा माँ वोट डालोगे, तो कह रही हाँ तुम्हें डालेंगे, क्यों डालेंगे, नून खा रहे हैं हम योगी का। तो एक मिनट को मैं भी चौंका, नून माने नमक को कहते हैं, सॉल्ट को कहते हैं। तो ये हाँ, अभी तो वो पीढ़ी जिंदा है जो बेटी के यहाँ का नमक इसलिए नहीं खाती है कि वो हमने कन्यादान दिया, तो अगर सरकार का अगर वो नमक योगी बाबा का खा रहे हैं तो उनको एहसास हो रहा है कि ये पहले से मिल रहा होता तो ये एहसान नहीं होता। ये ऑब्लिगेटरी स्कीम्स हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। वकील साहब एक अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि बंगाल के नंदीग्राम वाला इतिहास करहल में दोहराया जाएगा? अच्छे कई उदाहरण हैं, रायबरेली की सबसे गरीब जनता रायबरेली की उत्तर प्रदेश में, उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते हुए हराया, हम इतने पीछे क्यों जाएं, कई आपके जन्म से पहले की ये घटना है। लेकिन अभी अभी हम देखते हैं ना, अमेठी में श्री राहुल गांधी का किला गिरा, अभी अभी नंदीग्राम में ममता जी हारी हैं, भले उनकी सरकार बनी हो, और बदायूं से धर्म सर विधानसभा के मतदाता आज आपको वोट करने वाले हैं और आप गुरु के पुत्र के खिलाफ मैदान में उतरे, क्या लग रहा है कि जनता शिष्य को पसंद करेगी या पुत्र को? हमारा इतिहास ऐसा है, गुरु शिष्य परंपरा रही है, द्रोणाचार्य कृपाचार्य और भीष्म पितामह यद्यपि कौरव पक्ष से लड़ रहे थे, लेकिन उनकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद अर्जुन के लिए था, क्योंकि वो एक योग्य शिष्य थे और धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। वो अश्वत्थामा उनके बेटे द्रोणाचार्य के जरूर थे, लेकिन प्यार वो अर्जुन को करते थे, और इतिहास इस बात का गवाह है कि धर्म और धर्म, नीत और नीत, सदाचार दुराचार, पाप पुण्य के इस युद्ध में हमेशा धर्म नीत सदाचार की ही जीत हुई है।